सीता मैया, आपको मेरे घर आना ही होगा। मेरे परिवार पे लगा 80 साल का श्राप आपको मिटाना ही होगा। ये मेरी हट है। इतना तप मत कर विश्ववीर, हथेलियां जल जाएंगी। ये तप नहीं जीटी भाभी, हट है। भरोसा रख विश्ववीर, ना बाप ना सासरा जानकी माँ का आसरा, 3 पीढ़ी का श्राप कटेगा। तेरे घर बेटा नहीं जन्मेगा, बेटी अवतरेगी। माँ बाप बड़े भैया सब आप ही हैं अब जेठी भाभी। आप ही के आशीर्वाद से भरोसा टिका। 80 साल से हमारे परिवार ने इंतजार किया है कि हमारे घर बेटी पैदा हो। 80 साल से हमारे परिवार में सिर्फ पुत्र ही जन्मे हैं। अब तो सीता मैया आके हमारे परिवार पे कृपा करें, हमारे सारे दुख कटे। तू इतना बड़ा ज्योतिषी है, एक बार अपनी कुंडली देखने में क्या हर्ज है? आप जानती हैं जेठी भाभी, गुरुजी ने हमें मर्यादा में बांधा हुआ है। हम अपने और अपने परिवार की कुंडली नहीं देख सकते। नहीं तो क्या हम बड़े भैया की कुंडली नहीं देख लेते? जेठी भाभी, कुंडली से अधिक शक्ति जानकी माँ के आशीर्वाद में है। यदि हम अपना धर्म निभाने में कोई चूक नहीं करेंगे तो सीता मैया की कृपा हम पर अवश्य बरसेगी। चल अब जानकी माँ के मंदिर होते हुए अस्पताल पहुँचना है। डिलीवरी का मुहूर्त नहीं चूकना चाहिए, एक क्षण से भी। मुहूर्त चूक्यो सागर सूख्यो। जल्दी से स्नान कर लो। जी बाबा। नहीं तो क्या हम बड़े भैया की कुंडली नहीं देख लेते? कि 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 कुंडली नहीं देख लेते? शकुन देख लिए थे ठीक से? नहीं मालकिन, हम तो आपके साथ थे ना। हड्डी के हाकिम हो तुम सब। पैसा दो और चाकरी करो तुम नौकरों की। स्वास्तिक नहीं मनाए पंडित जी। जी अभी बनाता हूँ। नहीं, अर्जी दे, प्रार्थना पत्र दे, तब जाके आपका स्वास्तिक बनेगा। आज के दिन का महत्व समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ, आज के दिन माँ वैदेही अवतरित होंगी सांगर में। ये क्या है? ये आरती के समय क्या धड़ 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 बजा रखा है तुमने? अरे राम जी की बारात आई है मिथिला में। क्या हुआ जेठी भाभी? अरे माधुरी को हम कितनी बार समझाए बिस्वा कि नजर चढ़े को नजर लगती है। अब अच्छा कार्य करने घर से निकलो तो ऐसे कि पड़ोसी को भी वहम ना आए। पर ये है एक जो बच्चा जन्मे ऐसे जा रही है जैसे दिल्ली पर सवारी करने जा रही है। हाँ? नजर लग गई ना बिस्वा तो रोते रात ना कटेगी। और कभी कभी तो अपनों की भी नजर लग जाती है। चुप रहो। Sit up and answer. औरत को बहुरिया। वैनिटी में फेनाइल से पोछा लगाए हो कि नहीं? अरे जवाब दो। ये तो बड़ा मुश्किल है, ये चुप रह के बात कैसे करेंगे? तुम भी ना, आप जाके काम कीजिए। वैसे फिनाइल की बदबू तो आ रही है, जरूर लगाए। अरे नहीं मंजरी दीदी, वो तो हम जो गाउन है ना वो फिनाइल में धुलवाए थे, इसी में से खुशबू आ रहा है। माधुरी, कोई गाउन को फिनाइल में धुलवाता है क्या? तुम ना कुछ भी करती हो। मंजरी दीदी, जर्मस नहीं होना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताइए, ये डायपर्स का इंतजाम किए हैं कि नहीं? हम कह देते हैं, हम अपना बेबी को कोई कपड़ा का ना लंगोट फंगोट नहीं पहनाएंगे। ए ब्यूटी ऑन ड्यूटी, हमारा मेकअप चेक कर रहा था, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल एक नंबर। सुनो, मुहूर्त का वक्त बीत रहा है ना, चले दाहिना पैर पहले और आराम से, ठीक है? अरे किसे शटअप बोल रही है? अरे डार्लिंग जी, डॉक्टर का डिग्री चेक किए आप? अरे अस्पताल में नौकरी देने से पहले सरकार ही सब डॉक्टर का डिग्री देख लेती है। तो पहली ना रहे जो अस्पताल में बच्चा जनने जा रही है। जेठी भाभी, कर लेने दीजिए इसे मन की, माली का मन हरा हो तो बाग भी हरा ही होता है, समझी आप? चलिए एक मिनट रुको। जेठी भाभी जल्दी कीजिए ना, देरी हो रही है, और आप ये विधियां पहले कर तो चुकी हैं। अरे घर से निकलने से पहले ये सब जरूरी होता है, इतना तो तुम जानती हो। जेठी भाभी, एक बार नहा के इंसान साफ होता है, दो बार नहा के उजला तो नहीं बन जाता ना, और हर चीज अति में करना सही नहीं है ना। चलिए, अब मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलिए चलिए। देख के चलो, जानती नहीं हो कितनी नाजुक घड़ी होती है ये। हम कहीं जानबूझ के कर रहे हैं? इतना बड़ा पेट आपका होता ना तब पता चलता। एक तो जमीन नहीं दिखाई देता है, ऊपर से यू आर गेटिंग हैंग्री। नेक्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट होना और हम चिल्लाएंगे आप पे। अच्छा, हम सॉरी बोलते हैं। अब चलो, अब अगले महीने बच्चा पैदा करेंगे। अरे माधुरी, ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुरोहित जी ने आज का मुहूर्त निकाला है ऑपरेशन का, ठीक 11:39 का मुहूर्त, अभी देरी मत करो। हाँ। चलो। अच्छा, हमारी बात तो सुनोगी ना? ठीक है, आप कहती हैं तो चलते हैं। चलिए चलो चलो, सब लोग गाड़ी में बैठो, चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। ये एसी चल रहा है, उसके बाद भी पंखा का मार रही हो भकोल के जैसा? हाँ? चलो फ्रूट छिलो। ओके मार्जी, हमें लगता है बचपन के जैसे तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे, बहुत बदमाश हो गई। हम तुम्हारी बहन है, माँ नहीं है कि सारे नखरे झेलेंगे। ये लो, तुम जूस पियो, चलो चुपचाप जूस पियो। आचार्य जी, किसका फोन है? उसी मंत्री का है। इस मंत्री ने हमें आचार्य से नौकर बना दिया है। काल सर्प का योग बन रहा है हमारी कुंडली में शनि से। ये मंत्री वही सांप है। अपने जमीन का काम करने का आग्रह किया था हमने इससे, वो तो करता नहीं है, सारे शहर की कुंडलियां पढ़ने के लिए दे देता है। ऐसे अपमान होता है हमारे जैसे आचार्य का। जिस दिन हमारी बेटी हो गई, उस दिन हम इस मंत्री से कह देंगे कि तेरा रास्ता सीधा मंत्रालय से जेल तक है और यही तेरी कुंडली में लिखा हुआ है, लेकिन अभी नहीं कर सकते, अभी हम बेवश हैं। जानती हो मंजरी, जब तुम गृहलक्ष्मी बन के हमारे घर आई थी तब हम जो भी कहते थे वो विधाता का विधान होता था। हम आपके कुल के भाग्य को नहीं संभाल पाए आचार्य जी, इसीलिए हमने अपनी सगी बहन की शादी आपसे करवाई। हमें पूरा भरोसा है हमारी बहन आपके कुल के भाग्य को जरूर संभालेगी, जरूर आगे बढ़ाएगी। अरे जल्दी करो, सब तैयारियां दोबारा देख लो। आज आचार्य जी के आने से पहले सब ठीक होना चाहिए। रोहित जी, आओ आओ बिस्वा। अरे बिस्वा, आप हमसे अधिक ज्ञानी हैं, इस तरह तुम हमारे पाँव नहीं छू सकते। रोहित जी, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए कि आज हमारे परिवार पर लगे सारे श्राप के बंधन सब कट जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है सीता मैया सब ठीक करेगी। चलिए, सारी व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार हुई ना पुरोहित जी? हाँ विश्वास। आशीष आशीष, हम तो ब्रह्म मुहूर्त से यही हैं, बल्कि अनुष्ठान भी आरंभ करवा दिया है। अच्छी तरह देखभाल कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं। और वैसे भी फेर कर हमने कुंडली का अभ्यास किया है। लेकिन वो नाल काटने वाली चांदी की कटार पूजा में दिख नहीं रही। कटारी तो घर पे रह गई बिस्वा। ना हम अपने परिवार की कुंडली पढ़ सकते हैं, ना ही कोई क्रियाकांड तय कर सकते हैं। सारा शहर हम पर भरोसा करता है और हमें आप पर भरोसा करना पड़ता है। हमने सोचा था कम से कम आज के दिन आप सावधानी बरतेंगे। अब ये गलती तो हो गई बिस्वा। रोहित जी सुनिए, लोहे की कैंची नाल काटती है, चांदी की कटार पिछले जन्मों के बंधन काटती है। हमने आपको वो कटार बनवा के इसलिए दी थी कि आप पूजा में ला सकें। जाइए कटार ले आइए। आज का दिन झा परिवार की किस्मत को बदलेगा। माता सीता, आपको आज हमारे घर जन्म लेना ही होगा। माधुरी, क्या हुआ? माधुरी, हाँ? मंजरी दीदी, इट इज पेनिंग, बहुत दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, यहीं से प्रणाम कर लो, हम तुम्हें सीधा अस्पताल लेके चलते हैं। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। अरे बच्चा, तो हम भी जने हैं, दो बार पीड़ा होने से कोई प्राण नहीं छूट जाते। चलो। लेकिन जेठी भाभी, डॉक्टर अनिल ने कहा था माधुरी की डिलीवरी में दिक्कत हो सकती है, इसलिए तो उन्होंने ऑपरेशन करने को कहा था। अरे ऑपरेशन की बात तो हम तय कराए हैं, हम, ताकि सही घड़ी में बेटी पैदा हो जाए। सीता मैया की परिक्रमा किए बिना अस्पताल नहीं जा सकते हैं। तो हिम्मत रखो माधुरी, चलो चलो चलो। माधुरी क्या हुआ? कुछ नहीं आचार्य जी, माता सीता का मंदिर है ना, माता सीता हमारे आने वाली गुड़िया की रक्षा का प्रबंध जरूर करेंगे। माधुरी थोड़ा बर्दाश्त कर लो। चलो चलो अब आरती शुरू करते हैं। पुरोहित जी आरती शुरू करते हैं। सीता मैया ले आ गए तेरी शरण। कहाँ मुझे जा रहा है? पंडित जी मैया के सामने माथा टेक के प्रायश्चित करने आए हैं। आज मंदिर में बड़े लोगों की पूजा चल रही है, तुम ऐसा करो मंदिर की परिक्रमा बाहर से ही कर लो, ठीक है? जाओ। हे सीता मैया, हम जानते हैं कि बिटिया दुर्भाग्य काटती है, फिर इस गरीब के घर छठी बेटी काहे भेजी मैया, काहे? सारे दुख काट दे माँ, बेटी बन के आजा हमारे घर। राजा जनक के घर जितना सुख नहीं मिला उतना सुख देंगे हम। मैया आजा, आजा सीता माँ हमारे घर आजा। चलो जल्दी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है अस्पताल पहुँचने का। चलो जेठी भाभी जल्दी मत चलाइए, देखिए ना माधुरी को कितनी पीड़ा हो रही है। अरे प्रसव पीड़ा ही तो स्त्री का सौभाग्य है मंजरी, उससे डरना क्या? मुहूर्त नहीं छोड़ सकते, चलो तुम लोग जल्दी करो। आपने घटी मुहूर्त पल बेला सबका गणित ठीक से तो किया ना, यदि कोई अनहोनी हुई तो याद रहे। अरे नहीं बिस्वा, अब हमने सब गणित किया है, कुछ गलत नहीं होगा। क्या हुआ? क्या? अरे प्रसव यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने पैर बांध के रख, घुटने बांध, घुटने बांध। अरे काम ही जानबूझ के कर रहे हैं मंजरी दीदी, हम मर रही हूँ, आई एम डाइंग। अरे थोड़ा हिम्मत रखो, कसो घुटने। ए डार्लिंग जी, आचार्य जी, आचार्य जी। मंजरी क्या हुआ? मंजरी आचार्य जी लगता है माधुरी की डिलीवरी यहीं करनी पड़ेगी। अरे माँ डार्लिंग जी बहुत पेन हो रहा है, जैसे फिल्म में हीरोइन सबको होता है ना उससे भी ज्यादा हो रहा है। अरे बहन लगता है प्रसव यहीं हो जाएगा, चलो इसे वहाँ ले चलते हैं। चलो आदमी लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, अब जाइए यहाँ से। अरे कोई पानी लेकर आओ, कोई कस्तूरी चंदन का लेप लेकर आओ। ध्यान से। एक दो तीन करके गहरी सांस लेती रहो, अगर बच्चा आड़ा हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी, माँ बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गर्भ आड़ा हो गया है। धीरे धीरे धक्का मारकर ऐसे सीधा कर। मारो लो, माता ने कृपा की, गर्भ सीधा हो गया। अभी सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, माधुरी, माधुरी, अरे इस लड़की की सांसें फूल रही है, इसे पानी दो। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। बेहोश हो गई तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है। अरे कोई डॉक्टर नहीं बुलाया था? आचार्य जी, आचार्य जी, क्यों, क्या हुआ? हमारी बहन और हमारी गुड़िया की रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए ना। बिस्वा, दूसरी बार कृपा हुई है। माधुरी की सांस भारी हो गई थी, अब फिर से हल्की हो गई है, चिंता की कोई जरूरत नहीं। हाय राम, ये तो बच्चे के गले में नाल उलझ गई है, इसका तो बच्चा मुश्किल है। माँ, कुछ मदद भेज, कोई सहायता कर माँ। मैं अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा तेरे नाम पर हमेशा के लिए छोड़ दूंगा माँ। बस मेरी मेरी बेबी और मेरी बच्ची को बचा ले माँ। माँ, मदद कर। हटिए जरा। सांस लीजिए। सांस लीजिए लंबी। चाहिए भी चाहिए भी सौगात है। अरे डॉक्टर बहन, आपने तो कमाल कर दिया, नाल निकल गई गले से। जय माँ जानकी। एक दुआ एक बद्दुआ दोनों साथ हैं, फिर ठुकराई जो बनकर रब की बंदगी देने जिंदगी। लगता है कुछ तो सितारे मिलते हैं इस गरीब बच्ची के झा परिवार के साथ।